हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज का सेशन साइडवे था, जैसा कि मैंने बता दिया था। अब आप लोगों को मैं कल का जो व्यू बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा कि कल का जो बाजार है वो साइडवे है या ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। साथ में एफपीआई के डेटा की तरफ से काफी अच्छी जो है क्लैरिटी दिख रही है, वो भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो नुकसान आपका है, अब मर्जी आपकी है। भले ही आप 1x करके देख लीजिए, 1.5x यानी कि स्पीड ज्यादा करके, लेकिन कंप्लीट देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो इन्फॉर्मेशन है। एक कि जो हमारा नेक्स्ट है 14 सितंबर से और उसके ऑफर्स चल रहे हैं जो कि कल तक वैलिड हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम एक लेट जो है सेशन देंगे जो कि हमारा सिस्टर सेक्टर होगा, यानी कि जो सिस्टर्स के लिए सेक्टर है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, काफी जो है ग्रोथ उसमें हाई दिख रही है। एक इमर्जिंग सेक्टर जो है हो सकता है और ये आने वाले टाइम में आपको एक राइजिंग स्टार की तरह दिखता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्या है रिपोर्ट, सब कुछ शेयर करेंगे और उसमें बेहतरीन स्टॉक्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। अब समरी पे देखिए, यहाँ पे क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग करता हुआ, कॉल में दबा के लॉन्ग करता हुआ और पुट में सेलिंग करता हुआ, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग है। एफआई ने क्या किया, फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट भी सेल किया नाम मात्र के लिए और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया नाम मात्र के लिए। प्रो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। साथ में यही आपको चलते चलते बता दे कि जो एफआई है उसने आज कैश में जो है 2000 सीआर से जो ज्यादा की सेलिंग की और डीआई की बाइंग तो हुई है बट लोअर देन सेलिंग है, तो इसकी वजह से आपको M2M में बाजार में जो प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। एग्जांपल डेट कुछ स्टॉक्स जिसको हमने ऑब्जर्व किया, जैसे BML मॉर्निंग में 6% के करीब अप था बट क्लोजिंग होते होते 3% पे अप गया। HL ऊपर से फिजल आउट हो गया। बैंक्स फ्रंटलाइन जो बैंकिंग है ऑलरेडी वीक थे और आज मैडम का बड़े बैंकों के साथ जो है मीटिंग भी था, तो आई डोंट नो कि मीटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, क्या निकल के आया हुआ है, लेकिन जो एक थॉट है वो ये कह रहा है कि लोन ग्रोथ जो है ज़्यादा है और डिपॉजिट ग्रोथ जो है कम है, 3% कम है। बाकी आप सबके विचार क्या हैं इस रिपोर्ट पे, अपने जो सुझाव है, अपने कमेंट है नीचे दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे शेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 71,000 का लॉन्ग हो गया। एफआई के पास अब 350 क्वांटिटी सेल है फ्यूचर। प्रो के पास 776 क्वांटिटी लॉन्ग है, यानी कि हाथी के मुंह में जीरा वाली जो है पोजिशन है। क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 97,000 के कॉल सेल हैं, एफआई के पास 75,000 के लॉन्ग हैं और प्रो के पास भी महज 20,000 के लॉन्ग हैं। ध्यान से देखिए, 267,274 जो कॉल की क्वांटिटी थी वो बाजार से निकल चुकी है। अब बात करेंगे हम इंडेक्स पुट की। क्लाइंट के पास 653 का जो है सेल है, एफआई के पास 346 का पुट जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 45,000 का पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 29 लाख की सेलिंग, एफआई के पास 587 लॉन्ग और प्रो के पास 378 लॉन्ग। तो अब हम इस डेटा को करते हैं डिकोड, देखते हैं कि M2M पे कितना पोजीशन निकल के आ रहा है। दोस्तों, M2M पे कुछ निकल के आए या ना आए, लेकिन अभी जो मैं आपको लॉजिक दूंगा उससे जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगा और आपको जो हेल्प होता हुआ नजर आएगा, इसलिए स्किप नहीं करना है, आगे पूरा देखना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट को डिकोड करते हैं। तो इनके पास देखिए 71,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, 97,000 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 653 का जो है यहाँ पे पुटे जो है सेल है। सो टोटल जो M2M आएगा 6,26,000 का जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे FAI का। तो FAI के पास देखिए 350 यहाँ पे सेल है, 75,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है और साथ में 346 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल M2M 2,71,000 का इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे हम प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 776 जो है यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में 20 के ये लॉन्ग है और 45 के ये यहाँ पे सेल है। सो टोटल M2M 66,000 का जो है लॉन्ग पोजीशन। देखिए, हालांकि जो हमारे फर्स्ट मार्गदर्शक होते हैं वो हमेशा प्रो होते हैं, आप सभी को पता है, जो भी काफ़ी दिनों से देखते हो। जो नहीं देखता है, नया है, उसके लिए बता दें कि हम हमेशा प्रो को आगे लेके चलते हैं, यानी कि मार्गदर्शक रूप में, और इनके पोजीशन से काफ़ी क्लैरिटी जो है मिलती है। जैसे कि प्रीवियसली लॉन्ग थे तो बाजार जो है लॉन्ग गया, फिर पोजीशन ड्रैग हुई तो हम पोजीशन जो है सेल ऑन राइज की तरफ लेके आए,
इस तरीके से हम लोग आगे इसके पोजीशन को देखते हुए, इनके पोजीशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन FII आज अच्छे खासे क्वांटिटी में शेल है। क्लाइंट के जो लॉन्ग हैं वो बीच में लॉन्ग हुए हैं। M2M पे देखेंगे तो इनके अभी लॉसेस ही होंगे क्योंकि ह्यूज पुट है, सेल है। अब राइट नो जो पोजीशन चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टिल जो है मे बी लॉस मेकिंग पोजीशन हो सकती है। अब देखिए बाजार का हमें चाहिए व्यू, तो पहला व्यू कि बाजार ट्रेंडिंग होगा कि नहीं होगा। तो बाजार ट्रेंडिंग दिख रहा है, होपफुली बाजार ट्रेंडिंग होगा। अब चूंकि इंडिसेस बहुत हैं, 4-5 हैं ट्रेड करने के लिए, तो सेलेक्टिव, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि आज हमने फैंस निफ्टी के ही पुट को हिट किया, पहले कॉल के साइड देखे रीटेस्ट पे, लेकिन वो लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वहीं से फेल होके फिर पुट सेट ट्रेड दिखा, इमीडिएटली अपडेट दिया और पहले ही कंसिडर करा दिया था कि यहाँ पे टारगेट जो है छोटे हैं और टारगेट उसी हिसाब से छोटे ही मिले। बैंक एक्स में भी उसी हिसाब से डाउन साइड ही मूव मिला। दोनों में अगर देखेंगे ज़्यादा मूव तो बैंक एक्स में डाउन मूव ज़्यादा मिली। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वीक है वो बैंक्स है। और हमने पहले भी मैसेज दिया था बैंक के वीक होने का रीजन, फ्रंट लाइन बैंकिंग जो है वीक साइड पे, चाहे HDFC, कोटेक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, जब ये सारे बैंक वीक है तो बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी को कोई चलाने वाला मिलेगा नहीं। इसी लॉजिक से जो है कल का व्यू भी वन लाइन में निकलेगा। जैसे ही हम आएंगे फाइनेंस निफ्टी को कंप्लीट करते हुए वहीं पे व्यू क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्निकल लेवल को देखते हैं। उसके पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज के ऊपर भी पिंग रहता है, या @NiftyView सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन जरूर कीजिए किसी भी लाइव अपडेट के लिए, क्योंकि जो लाइव अपडेट है वो यहीं पे मिलता है कि कहां पे कौन से जो है लेवल्स हैं। जैसे बिरला सॉफ्टवेयर का डिप था, वेदांता का जो है कॉल ऑप्शन था, या फाइनेंस निफ्टी का जो पुट ऑप्शन था, तो बस वहाँ पे जो है आपको व्यू मिलेगा लाइव और यहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। तो चलते हैं निफ्टी के ऊपर, जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस शेयर किया है 24655 का, सपोर्ट 24375 का। अब हम कर देते हैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो आज का जो थॉट है वो यहाँ पे देखिए क्या है। पहला चीज़ कि हर एक पैटर्न में आपको जो है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दिखाई देगा, जो कि प्रोजेक्शन जो हमें चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। किसी किसी में ये लाइन ऊपर ब्रेक हो चुकी है, किसी किसी में यहीं पे, जैसे निफ्टी के केस में। अब चूंकि ये ऊपर तो कई बार ले चुका है, लेकिन अगर यही इमिडिएटली ब्रेक करके 24550 को ब्रेक करना शुरू कर देगा तो हमें एक क्लियर सेल व्यू मिल जाएगा। सो आपको क्या करना है कि 24550 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख लेनी है। जैसे ये ब्लू लाइन मेरी आज के लिए ड्रॉ थी, कभी भी इसके नीचे अगर देखेंगे प्रीवियसली तो होल्ड नहीं हुई, अदरवाइज सेल जनरेट हो जाता। तो अब नहीं हुई तो अगली बार हो सकती है, इसलिए 24550। अगर ये गैप अब खुलता है तब तो ज़्यादा नहीं, मतलब 250 पॉइंट खुलेगा तब तो वो स्ट्रांग रहेगा। 40, 50, 60 इतने पॉइंट अगर गैप अप खुलेंगे और गैप अप होल्ड नहीं किया तो वहीं से क्लियर साइन मिल जाएगा कि ये तोड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लेवल टूटेगा ना तब यहाँ पे सेल जनरेट होगा, क्योंकि पैसा यहीं से बनना शुरू होगा, प्रॉफिट यहीं से बनेगा, प्रीमियम यहीं से सूट अप करनी शुरू करेगी। तो 24550 सिंगल लेवल मेक एंड ब्रेक के लिए आप इसको देख सकते हैं। लॉन्ग कब करेंगे? लॉन्ग कल के लिए हम अवॉइड करेंगे। कल अगर लॉन्ग बनेगा, सेटअप समझ में आएगा लाइव में, तो आपको हम TG पे अपडेट देंगे डायरेक्ट कॉल के थ्रू, डायरेक्ट लेवल के थ्रू मेंशन करके, तो वहाँ पे जो है जरूर ट्यून रहिएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 5660 का है, सपोर्ट 49600 का है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में तो वही वाला सेम, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रायंगुलर जो है फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारे इंडिसेस में जो है बना हुआ है। किसी किसी में जो वो लेवल है वो वहाँ पे क्रॉस हो चुका है, किसी किसी में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, तो बहुत अच्छा होगा अगर ये इमिडिएटली वापस हो जाए, किसी प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग लेवल क्या निकला, 5240, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। अब चूंकि क्लोजिंग तो 400 पे है तो यहाँ से इतना आने में तो काफ़ी पॉइंट वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक रिस्की सेटअप है कि अगर वो खुलने के बाद 5500 नहीं क्रॉस करता है तो भी यहाँ पे एक 5550 का स्टॉप लॉस सपोज करते हुए सेल कर सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशन ये होगी कि गैप अप ओपनिंग नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी नहीं होना चाहिए। गैप डाउन होगा इस लेवल के नीचे तब तो हमारा सेकेंड सेल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हम फिर रीटेस्ट पे करेंगे क्योंकि गैप डाउन के बाद एक बार ऊपर जरूर जाएगा, फिर उस कंडीशन में 5300 को यूज कर सकते हैं।
उसके पहले नहीं, उसके पहले देख के समझ के कुछ स्ट्रांगनेस और दिखाई देगी सेल के लिए तब करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर इतना गैप अप हुआ कि ये 5500 के ऊपर खुलता है या 500 ही खुल के 5600 के करीब घूमने लगा तो फिर हम वेट करेंगे रिबाउंड का और वो हो जाएगा 5620 के ऊपर, यानी कि 50620 अगर ब्रेक कर दिया तो हम व्यू अपना चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें बनना है यहाँ पे गिरगिट, हमें रिजिड नहीं बनना है कि नहीं मैं सेल ही करूँगा, नहीं मैं यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग ही करूँगा, हम लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेवल हमने शेयर किया है। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, इसके बाद वन लाइन का व्यू जो है लॉजिक के साथ हम ओपन करेंगे। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 2350 का है, सपोर्ट 22700 का है। अब क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में, तो फाइनेंस निफ्टी में भी तो सेम पैटर्न है और इसी की एक्सपायरी है, तो पूरे कायनात की जो नज़र होगी इसी पे तो रहेगी, इसी में आज हमने पुट भी दिया था जब ये यहाँ से निकलना शुरू किया था और यहीं तक अच्छा गेन मिला, उसके बाद फिर ऊपर जाके नीचे ही आया, लेकिन गेन इस वाले मूव में ही तुरंत मिल गया था बढ़िया वाला। अब ये चूँकि ऊपर भी जा चुका है, बट ब्यूटीफुल क्या है कि 23000 के नीचे, यानी कि अंडर कंट्रोल ऑफ बियर। तो अब हमें वेट करना है, देखिए पहला लॉजिक ये है कि अगर ये 22880 के नीचे समय देने लगा तो व्यू हमारा क्लियर होता हुआ दिखेगा सेल का, और अगर ये 22840 के नीचे तेजी के साथ आकर सस्टेन होने लगा तो व्यू क्लियर होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, बड़े टारगेट छोटे टारगेट दोनों के लिए हेल्प करेगा। नॉर्मल खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे होल्ड हो गया और यहाँ से नीचे खिसकने लगा तो ये सेल हमारा यहाँ भी बनेगा, और यहाँ पे जो एसएल होगा 2345 मात्र 45 पॉइंट थ्रू ऑप्शन एटीएम की जो पुट होगी वहाँ पे 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। ये जो है कल के लिए सेटअप होगा, किस कंडीशन में सेटअप चेंज होगा वो कंडीशन हम लाइव चेक करेंगे, और वो होता है लाइव ऑप्शन चैन से। अगर चेंज होता हुआ नजर आया तो हम आपको जरूर टीजी पे अपडेट देंगे, इसलिए टीजी पे ट्यून रहना है। अब लॉजिक के साथ सिंगल लाइन का जो व्यू है वो क्लियर करते हैं। देखिए कल एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी की, यानी कि बैंकिंग साइड से आता है, बैंक्स आज दिखाई दिए हैं वीक और वहाँ पे हुई है सेल ट्रेडिंग, यानी कि जो भी पोजिशन बनी है सेल की वो मुझे बैंक से आते हुए दिख रही है, और कल बनेगा एक्सपायरी प्रेशर। अब एक दिन बाजार ऊपर भी गया था तो बाजार नीचे अगर आके कोई अच्छी रिकवरी दिखाया होता तो एक एस्पेक्ट रहती, एक होप रहती कि कल बढ़िया जो मूव है अपसाइड देखने को मिल सकती है। सिर्फ एक ही कंसर्न है कि हमारे जो प्रो हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, उनसे हम ज़्यादा जो आइडिया लेते हैं उनकी पोजीशन लाइट है, बहुत ही लाइट है, तो उनकी पोजीशन कल होपफुली जो बड़ी वाली बनेगी वो लाइव में बनेगी, और हमें सिर्फ उन्हीं के पोजीशन को ट्रैक करना है और उससे हमारा जो व्यू होगा वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें जो व्यू हमने अभी शेयर की है वो अभी तक के डेटा के हिसाब से बिल्कुल सेटअप ठीक ठाक दिख रहा है, बची खुची जो कन्फर्मेशन है वो ऑप्शन चैन डेटा पे जो कि अभी चल के शेयर करेंगे हो जाएगी। टिल द टाइम यही रहेगा, डेटा को चेक कर लीजिए एक बार फिर से ऑप्शन चैन मेरे साथ, फिर हम लोग फाइनल जो कंक्लूजन ले लेंगे। बैंकिंग पे तो वीक व्यू दिख रहा है और लाइव ऑप्शन चैन देख के कन्फर्मेशन पे जो है हम लोग बिल्कुल मोहर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन एक इंडेक्स बचा हुआ है सेंसेक्स, जो कि जस्ट फ्राइडे तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 81000 वो बिल्कुल अभी तक कह सकते हैं कि बरकरार है। अब कल के लिए एक सेटअप ये है कि ये जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 80350 के नीचे होल्ड करना शुरू करता है, तो ये सम यहाँ से एक बढ़िया मूव आपको डाउन साइड में जो कि 79900 का हो सकता है दे सकता है। तो इस पे एक स्विंग मूव के लिए, छोटे टारगेट के लिए आप जरूर नज़र रख के चल सकते हैं। रेस्ट जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के क्लोज आएंगे तो इसके ऊपर और व्यू जो है ऐड करते जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो देखिए पहला जो स्टॉक है वो है HL। रीजन स्टूडेंट के साथ हमने शेयर कर दिया है, आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ, 7975 के नीचे प्रॉपरली होल्ड होना शुरू करेगा तो आप सेल बटन दबा सकते हैं, या अगर ये राइस पे मिलता है 483045 कहीं भी तो एक जस्ट रिवर्सल की कंफर्मेशन से सेल कर सकते हैं। रिवर्सल कैसे होता है, 5 मिनट के चार्ट पे कैसे कैच करते हैं, कि स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पे जाके सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ऊपर लिंक कर देंगे, वीडियो में लिंक आ जाएगा उसका, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अगला जो स्टॉक है बिल्डर सॉफ्टवेयर, जिसकी एंट्री होपफुली कल नहीं मिलेगी, ये स्टॉक इसी दिन हमने आपको 570 के ऊपर जो अपडेट कराया था वहाँ से 10% भाग चुका है। तो देखिए ये
नॉन स्टॉप तो भागेगा नहीं जैसे आज भागा, बहुत कम चांस है। और ऊपर लेवल पे लेने पर रिस्क भी रहता है। तो एक लेवल है 580, 590, 600 के आसपास कहीं भी देख के आने वाले दिनों में अगर मिलता है तो एक अच्छी एंट्री होगी, वहाँ पे इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। वीक जो स्टॉक था एचएल था, स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है बिरला सॉफ्टवेयर है, जो कि डेफिनेटली कल के लिए नहीं है, कल हमको हो सकता है कि एंट्री ना मिले लेकिन आने वाले दिन में मिल सकती है, तो इसको नज़र रख के आप ज़रूर चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले निफ्टी, जिसका डेटा स्लाइटली पॉजिटिव ही है क्योंकि बाजार उस हिसाब से बिहेव किया है, तुरंत नेगेटिव होगा नहीं। 34 लेके जो है कॉल सेलर और 34 लेके पुट सेलर, सो निफ्टी कम्प्लीटली फिर से साइड में दिख रही है एज पर डेटा। तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि लाइव में वॉल्यूम आ जाता है तो थोड़े बहुत मूव इसमें मिल जाते हैं। 24600 एज ए बिग रेजिस्टेंस जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और 24500 एज ए बिग सपोर्ट। तो 24500 के नीचे अच्छा फॉल, 24600 के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग। बट स्मार्ट इसमें ट्रेडिंग क्या होगी कि हम 24600 को क्लोजली वॉच करेंगे, नहीं क्रॉस कर रहा है तो रिस्की ट्रेड बना के राइज पे सेल करेंगे, ना कि हम 500 के नीचे टूटने के बाद सेल करेंगे। वो जो ट्रेड होगा वो एक्सपायरी के लिए बढ़िया होगा। टिल द टाइम हम 24600 वाला रेजिस्टेंस चेक करके यूज करेंगे, 600 ऊपर या 600 जाके अगेन 570-580 को ब्रेक करेगा, वो बढ़िया सेटअप होगा। बाकी टारगेट उसमें छोटे होंगे। अच्छा डेटा यहाँ पे है बैंक निफ्टी का, जो कि वीक साइड दिख रहा है। टोटल कॉल सेलर 29 लाख के करीब है, टोटल पुट सेलर 22 लाख, और डेटा में कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड है, यानी कि बराबर नहीं है। सो मूव यहीं पे मिलने के अच्छे चांसेस हैं। 5500 पे 2 लेके कॉल सेलर, बढ़िया रेजिस्टेंस। अब 2 लेके कॉल सेलर देखिए 50,000 तक कहीं नहीं है, और ये क्लियरली राइटिंग है, यानी कि 50,500 पे अच्छे खासे राइटर है। यानी कि जब तक 50,500 फॉलोड बाय 600, 10, 600, 20, 600 क्रॉस नहीं होगा, हर व्यू जाएगा वो सेल ऑन राइज ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। यानी कि बैंकिंग वीक है, इसकी पूरी जो है यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है, बट फिर भी एक बार लाइव में क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि कोई गलती की जगह गुंजाइश न रहे। अब हम लगे हाथों फाइनेंस निफ्टी का भी डेटा शेयर कर देते हैं। फाइनेंस निफ्टी का भी डेटा सेम है, बिल्कुल सेम डिटो दिख रहा है। देखिए 11 लेके कॉल सेलर एंड 8 लेके पुट सेलर, जितना डिफरेंस बैंक निफ्टी के कॉल पुट में है उतना इसमें भी है, और सेम जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ पे बड़े रेजिस्टेंस है। 23,000 कंप्लीट एंड कंप्लीट एक बड़ा रेजिस्टेंस, दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो 80,000 के सेलर यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, और एक बड़ा सपोर्ट 22,900 पे ही है। 900 के टूटते ही एक छोटा सा जो है सपोर्ट है 800 पे 51,000 का, उसके बाद 22,700 पे ठीक है। सो यहाँ पे व्यू तो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला कि चूंकि प्रो हमारे थोड़े से डाउट में है, यानी कि उन्होंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है फ्रेश में अच्छी वाली, तो हम लाइव में एक बार चेक करना जरूर चाहेंगे और चेक करके व्यू क्लियर हो जाएगा। टिल द टाइम दो भागों में बांट कर रखेंगे, फाइनेंस साइड जो है वीक है, निफ्टी साइड साइड टू पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन अगर लेवल सस्टेन नहीं किया तो वो भी फिसल जाएगी बिल्कुल डाउन साइड के लिए। तो ये जो है व्यू रहेगा। आई होप कि आपको जो सेशन है कल जो हेल्प करता हुआ नजर आएगा। लेट अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो कल हम जैसे कि मैंने बोला कि सिस्टर सेक्टर उसका जो सेशन आएगा देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।